साथ दे रही है हरियाणा पुलिस के हमारे हो बहुत 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 साथ दे रही है। मैंने देखा अभी मैं आया, प्रशासन ने जो किया है उससे पूरी जनता पूरी पब्लिक खुश है। हम प्रशासन से यही आग्रह करेंगे आगे हमें ऐसा ही सुविधा दिया जाए। प्रशासन का जो व्यवस्था देख के मेरा मन प्रसन्न हो गया। सुरक्षा के लिए, जनता की सुरक्षा के लिए हमें साथ तत्पर तैयार रहती है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। तो एक बार फिर लगा दो हरियाणा पुलिस का जयकारा। जय हरियाणा। मोदी जी से ये निरोध है, हमारे जितने भी बिहारी खट्टर साहब से हमारी इतनी निरोध है, अगर हमारी आवाज़ सुनते हो छोटे भाई को तो नहर पे जितनी भी बिहारी भाई लोग हमारे जो भी व्रत करते हैं उनके लिए घाट थोड़ा बनाया जाए। भाई इस टाइम आप देखने लाग रहे हो हिसार के अंदर मौजूद हाँ, और जहाँ बात बताऊँ आपने तो हिसार के अंदर जितने भी हमारे जो बिहारी भाई है उनका एक बहुत बड़ा पर्व है छठ पर्व, तो उस पर बात करांगे। आज आप देखने लाग रहे हो चारों तरफ जो है रौनक हो रही है नहर के ऊपर। बात करा पा तो आज पूरे हिसार हिसार नहीं पूरे भारत वर्ष के अंदर ही पूरे विश्व के अंदर जितने भी बिहारी भाई है सभी इस छठ पर्व को बड़े उल्लास के साथ और हर्ष के साथ मनाते हैं। तो बात करांगे भाई के नाम अपना। मेरा नाम अरविंद है। अरविंद है तो भाई जिस तरह मतलब ये छठ पर्व मनाया जा है तो मेन कारण क्या होता है छठ पर्व मनाने का? छठ पर्व होता है जैसे छठ माई का मनाया जाता है, जैसे सूरज भगवान का सबसे हमारा बड़ा त्यौहार है। हाँ। और लड़कों के लिए कराया जाता है, ये लड़के पति के लिए सबसे बड़ा त्यौहार। अच्छा। है तीन दिन का व्रत होता है छठ। जो औरतों के बच्चे होते हैं और जो पति होते हैं उनके लिए कराया जाता है, उनके लिए पर्व होता है। और छठ माई का होता है सूर्य देव का होता है पर्व। तो मैं तो देखूँ यू जो ना आप कई दिन तक मनाने लग रहे हो। तीन दिन का होता है छठ पूज, तीन दिन का व्रत होता है। अच्छा, तीन दिन का फास्ट होता है। तीन दिन ना तो पानी पी सकती लेडीज, ना कोई खाना पीना कुछ नहीं, तीन दिन का व्रत होता है। अच्छा, तो जितना हम देखने लग रहे हैं मतलब बिहारी बिहारी नहीं हरियाणा के औरतें भी तो ना लगातार छठ पर्व वो तो धूमधाम से मना रहे हैं। सारे जगह हर धूमधाम से, अब हरियाणा वाला कोई नहीं है, सारे बिहार की है, बिहार का देखने के लिए आते हरियाणा के बंदे। अच्छा अच्छा। छठ पूजा ऐसा है बिहार से लेके पंजाब बंबई सब जगह होती है, वो सबसे बढ़िया पूजा होती है। जो इस टाइम आप इसका जो पर्व मनाया जा है वो हमने देखा भाई नहरों के किनारे ही मनाया जाता है, तो उसका कारण क्या है? ये छठ माई का पानी के अंदर में ही होता है पर्व। अच्छा, पानी के अंदर? पानी के अंदर ही होता है। बस पानी इतना भी नहीं होना चाहिए, कम होना चाहिए। हम तो नहर में पानी ज्यादा हो जाता है, क्यों कई लेडीज व्रत के कारण भूखे से कमजोर हो जाती है, जैसे बीमार हो जाती है तो उसके कारण पानी कम करवाया जाता है। अच्छा, वैसे पानी में ही होता है ये व्रत। अच्छा, पानी कम से कम होना चाहिए कमर से नीचे नीचे। तो औरत ही व्रत करती है या मतलब आदमी? नहीं, जेंट्स भी करते हैं। जेंट्स भी करते हैं। मैंने खुद ने कर रखा है, आज दूसरा दिन है, कल भी तीसरा दिन हो जाएगा जी। तो मानता है हमारी कि भाई हम सूर्यदेव को अलग देते हैं सुबह शाम को भी, हमारा सबसे बड़ी बात है कि शाम को भी देते हैं अलग सूर्यदेव को। यहाँ पर देखते हैं हरियाणा के अंदर कहीं के अंदर देखते हैं कि सूरज देव को तो सुबह सुबह अर्घ देते हैं, लेकिन हम लोग शाम को भी देते हैं अर्घ। हमारा सबसे बहुत बड़ा होता है महान पर्व। इस टाइम आप प्रशासन की बात करा भाई, बहुत ज्यादा जनसंख्या हो जाती है यहाँ पर। प्रशासन साथ दे रही है हमारी, प्रशासन कितना सहयोग देने लगा है? पूरा साथ दे रही है हरियाणा पुलिस के, मैं हमारे हूँ बहुत 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 साथ दे रही है। मैंने देखा है अभी मैं आया हूँ, इसमें मैं करता हूँ व्रत करता हूँ तो मैं लेट के आता हूँ, वहाँ से मेरे घर से आता हूँ लेट, मैं नहर तक आता हूँ। हाँ। मैंने देखा है प्रशासन का बहुत ही सहयोग रहा है और मैं करूँगा इन भाई सवेरे भी आए और आप लोग सहयोग दें। इस बार प्रशासन ने जो किया है उससे पूरी जनता पूरी पब्लिक खुश है। हम प्रशासन से यही आग्रह करेंगे आगे हमें ऐसा ही सुविधा दिया जाए, क्यों इससे क्या है सबके माँ बहन बेटी सही सलामत आए और सही सलामत अपने घर जाए अपना त्यौहार मना के। लेकिन मैं इस आज प्रशासन का जो व्यवस्था देख के मेरा मन प्रसन्न हो गया कि रियल में हम बिहार हरियाणा में नहीं बिहार में है अभी फिलहाल। तो और जिस तरह बात करा भाई हरियाणा पुलिस के ने जो सुरक्षा देख के आपका दिल खुश हो गया, तो मतलब ऐसा क्या किया हरियाणा पुलिस ने जिसके कारण कि आपका दिल खुश हो गया? सबसे बड़ी बात सर यहाँ ट्रैफिक। हाँ। सामने आप देख रहे हो आधार हॉस्पिटल है। हाँ। और फोर पॉइंट है ये। हाँ। दिल्ली के लिए बाईपास यहाँ से, तुषाम के लिए, शहर के लिए एंट्री यहाँ से होती है। हाँ। गाड़ियाँ एनी टाइम यहाँ चलती रहती है। बिल्कुल ठीक है जी। तो प्रशासन के वजह से क्या हुआ कि आज जाम नहीं लगा यहाँ पे, आम पब्लिक को जाने आने में असुविधा नहीं हुआ। बच्चे हैं आ रहे जा रहे हैं उनको कोई असुविधा नहीं हुई, बच्चे आराम से अपने घर को चले गए, पूजा पाठ करके सर अपने घर चले गए। हम दोबारा आग्रह करेंगे प्रशासन से कि सुबह कुछ इसी तरह दोबारा वो हमारे को सपोर्ट करें ताकि हमारा पूजा बढ़िया से सफल हो जाए और भगवान।
तो और आपने ऐसी कोई समस्या हो जिसका मतलब आपने पूजा के टाइम आपने श्रद्धा के समय जो है आप यहाँ पर आते हो तो आपको कठिनाई परेशानी आती हो? कठिनाई परेशानी क्या है सर, आजकल का के जो नवयुवक हैं कुछ उनके बस बता नहीं सकते भी, लेकिन आज हमें ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। हमने हमेशा देखा करते थे यहाँ पे हर तरह के बंदे लड़के आते थे भाई, कभी छेड़खानी कर दिया हाँ। लेकिन उस चीज़ को आज मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा। प्रशासन के सवेरे जब से मैं घाट पे आया हूँ प्रशासन देखा हूँ, जब अभी तक आप देखो प्रशासन अभी तक यहाँ गाड़ी खड़ी है। यानी कि आपका कहना है कि भाई पहले जैसे यहाँ पर श्रद्धालु आती थी, माताएं बहनें आती थी तो उनके साथ में छेड़खानियाँ होती थी जी, लेकिन वही है अब इतने भीड़ में किसको आप ढूंढेंगे जी। अगर मान लो कोई किसी ने टच भी कर दिया, किसी ने कुछ भी कर दिया तो इस भीड़ में कहाँ ढूंढेंगे। लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ। इस बार हरियाणा पुलिस का तो है भरपूर सहयोग से, हमारे को इस बार हरियाणा पुलिस का भरपूर सहयोग मिला है। हम चाहेंगे और भी अगर स्टेट में ऐसा अगर त्यौहार लोग मनाते हैं हमारे बिहार के जो हैं तो उनको भी ऐसा सपोर्ट मिले, सहयोग दे यहाँ के गवर्नमेंट। हाँ भाई जी, बहुत बहुत मैं तो हमारी यही रहूँगा हमेशा कि हरियाणा पुलिस के रही हैं और इतने हमें 20-22 साल हो गए हिसार में रहते हुए, तो मैं यही रहूँगा कि हरियाणा पुलिस को कहूँगा मैं यही ऐसे ही बस बनाए रखें, पे कृपा बनाए रखे कि और भी आगे बढ़ा सके चीज़ को हम लोग। तो इसका मतलब हमेशा तत्पर तैयार रहती है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। तो एक बार फिर लगा दो हरियाणा पुलिस का जयकारा। जय हरियाणा। तो भाई लगातार दर्शक तो यही कहूँगा भाई, वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा जो है लाइक शेयर करे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करे। हमें मोदी जी से ये निरोध है, हमारे जितने भी बिहारी खट्टर साहब से हमारी इतनी निरोध है, अगर हमारी आवाज़ सुनते हो छोटे भाई को तो नहर पे जितनी भी बिहारी भाई लोग हमारे जो भी व्रत करते हैं उनके लिए घाट थोड़ा बनाया जाए, क्यों लेडीज महिला जितने भी हैं हमें बांस के पैड़ी से दिक्कत होती है, महिला कहीं गिर जाती है, कई बच्चे गिर जाते हैं, थोड़े ये इसके लिए सहयोग करें हमारे। तो भाई इनका श्रद्धालुओं का साफ साफ कहना है, पूर्वांचल जो भारतीय है हमारे बिहारी भाई है इनका साफ साफ कहना है भाई खट्टर सरकार से हमारा एक अनुरोध है, हम साल के अंदर एक पर्व मनाते हैं छठ पूजा का, बड़ी ही धूमधाम से मनाते हैं और वहाँ पर जितने भी हमारे जो शहर लगा है, जितने भी हरियाणा के अंदर शहर है, उन्होंने मुख्यमंत्री खट्टर जी से निवेदन किया है भाई उन नहरों के ऊपर घाट बनाया जाए ताकि पूजा करते टाइम उनको दिक्कत ना हो। लेडीज है जो माताएं बहने हैं जो मतलब लेकर कैमरा मैन तक हुआ उस साइड में दिखा दे भाई किस प्रकार जो है सीढ़ियां लगा करके यहाँ पर महिलाएं जो है नदी के अंदर स्नान करने उतरती है, तो ये भी एक जो है मतलब दुर्घटना हो सकती है, पैर फिसल सकता है, ठीक है। तो भाई ये भी इनका साफ साफ कहना है भाई खट्टर सर जी से, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी से भाई इन पे जो है ना घाट बनाया जाए। हमें सरकार से ये अनुरोध करते हैं कि आगे साल जो हमारे हुआ है अगर थोड़ा सा पैरी बन जाए तो माताएं बहने जो भी हैं उनको कष्ट ना हो भाई पानी में अग्रह वो करने के लिए पूजा करने के में। तो भाई लगातार दर्शक तो मैं ये कहूँगा वीडियो को जो है ना लाइक शेयर करें और हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। और एक बार बोल दो जय हरियाणा, जय हरियाणा। बोल छठी मैया की, बोल छठी मैया की, बोल छठी मैया की।